अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि मेरे मामू का बेटा मेरा मुलेर जो है वो तकरीबन 15 साल बाद इटली से वापस आ गया। डंकी लगा के गया था। अभी आज रात हम लोग उनको रिसीव करने जाएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। सारी जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनके जज्बात कैसे होंगे इतने अरसे बाद। 15 साल जिंदगी का एक हिस्सा होता है यार, 15 साल बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके देखते हैं जज्बात कैसे हैं। उनसे मुलाकात करेंगे आज। आई एम सो एक्साइटेड। आप लोग भी देखिएगा कि मतलब कि नो यार, 15 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो देखते हैं उनके फैमिली के कैसे क्या जज्बात होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। मैंने फूल वगैरह मंगवा लिए हैं, वो लेके जाएंगे, हार वगैरह डालेंगे उनको रिसीव करके कल ही आएंगे, क्योंकि रात को हम लोगों ने जाना है। कल सुबह जो है ना दिन टाइम हम लोग वापस आएंगे। तो तैयारी वगैरह करते हैं, अपना सफर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। मैं तो उस वक्त बिल्कुल छोटा था यार, मैं बिल्कुल इतना सा था जब वो गए थे। मुझे तो खैर वो देखते ही रहते हैं वीडियोस में अक्सर, तो मुझे तो जो भी लोग मुझे मिलते हैं ना वो ये कहता है कि यार आप चेंज नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे कि वैसे ही हो। अब देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है यार। हम सेट जो है ना ये भी होने वाला है यार। मैंने वीडियो अपलोड करनी है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना नेटवर्क इतना गंदा है ना, यकीन जाने मेरे ख्याल में ये वीडियो जो है ना आप लोग कल देखेंगे। तो आप लोगों ने खैर देख ही ली होगी, ये व्लॉग मैं बाद में अपलोड करूँगा। एक तरतीब होती है ना, तरतीब के साथ चलना होता है। जो वीडियो आप लोगों ने देखी है ना वो यकीनन होगी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट, माय यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट, वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। कैसी थी यार बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालम पहुंच गए। हम लोग ने सफर स्टार्ट कर दिया है एयरपोर्ट की तरफ से। यहाँ पे टक शक पे आए हैं, यहाँ से कुछ चीजें वगैरह लेंगे, तो देखते हैं क्या चीजें ले रहे हैं। के कोई लोग बढ़िया बोतल शोतल कोई ले सी ले लो, बोतल ले लो, ले लो बोतल बोतल बोतल। मैं नहीं इतनी क्या करनी है ना, एक है ले लो एलिमेंट वाली, तो एक दलेज ले लो। मुख्तलिफ फ्लेवर के चार हैं, ये पांच लेज ले लिए हैं। इसके अलावा जो है ना बोतल वगैरह ली है, बिल वगैरह हो रहा है। ऐप दो ऐ भी है भाई जान। अब बिल की बारी है, एक कहता है कि मैं देता हूँ, एक कहता है मैं देता हूँ। गाड़ी मेरी हमारी ये बाहर खड़ी है। पेट्रोल जो है ना वो आगे मोटर वे से डलवाएंगे, वैसे भी एपीएस पंप है, यहाँ से भी डलवा सकते थे। अस्सलाम वालेकुम। बेरा इंटरचेंज पे पहुंचे हैं। हमारी गाड़ी का जो है ना ये एक ये जो डोर है ना इसका शीशा नीचे से चला गया है। अभी यहाँ पे भाई हैं, इनको कहा है कि ये ऊपर कर दें, अभी देखते हैं कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह। हेलो, लाइट बढ़ गई है, हूँ देख लो जितना जितना काबले हैं मुड़ भी करना पौधा। ये चौं मुँह वाला पिचकास होगा ना, इस बटन दे उतले खोल शोल के दन ओ बैठा है चार छह है। ईवा आ उतले कोई बज बुझ गई हुन ओदर, हां तमरे को उतले क्लिप बज गया है, क्लिप कड़ा नाल फेक सुना ल। एक लो एक मिनट ना, एक मिनट कैसा कर शीशा निकल गया, शीशा निकल गया। हां शीशा फुल ही थले टुर गया। लाइट इधर करवा दे, लाइट कर दें दिखे जी। तो साथ लादा व्लॉग ना लगे, व्लॉग नॉर्मल चल रहे जना हैं जी। जी लो जी, ये इस नून को काबू कराया, फुल थले ना जावा। चक्री क्यामो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया है, थोड़े चक्कर आ रहे थे हम लोग, थोड़े सा ना यहाँ पे रेस्ट वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ खाते पीते हैं और उसके बाद अपना सफर आगे स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह जी एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पे हम लोग ना कुछ ज्यादा जल्दी ही पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो सबसे एंड पे आप नजर आ रहे हैं 3:10 पे, 6 घंटे हम लोग एडवांस है यहाँ पे। और मतलब कि ना हमारा लड़का जो है ना 15 साल बाद आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग 6 घंटे जो है ना एडवांस में पहुँच गए। कदम लोग इस साइड पे जा रहे हैं। बाकी एक चीज़ मैंने और देखी यहाँ पे, ये देखें आप लोग यार, मैंने तो तीन परों वाले पंखे देखे थे, यहाँ पे 8-8 परों वाले पंखे हैं। चलें यहाँ पे 6 घंटे मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसके बाद जो है ना फ्लाइट आएगी हमारी और हम लोग कसरगोड सीव करके जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारी आवाम जो है ना, सारी हलकत यहाँ पे, ये सारी अपने अपने लोगों को रिसीव करने आएंगे। पता नहीं हमारा बंदा अब किस वक्त आएगा, उसको लेके फिर हम लोग जाएंगे। ये ट्रालियाँ जो है ना इस साइड पे जा रही हैं यार। सारी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे बनाई हुई है, वो तो आप लोगों ने देख ली होगी। हाँ इधर 6 घंटे पहले आके कैसा ला के जाता हूँ एयरपोर्ट तक। असल में ना हमारा लड़का जो है वो 15 साल बाद आ रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि हम एडवांस में है ना 6 घंटे वो पहले ही इधर एयरपोर्ट पे आ जाते। ये सामने जी एरोप्लेन है, ये इसकी टेल आप लोगों को नजर आ रही होगी, इसमें अभी जो है ना सवारियां लोड हो रही हैं और एक ये खड़ा हुआ है। अब देखते हैं जी इनका तमाशा, पहली दफा जो है ना ये आ रहे हैं इधर, माशाल्लाह क्या बात है यार। आगे भी ये देखने लोग जा रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी नीचे आ रहा हूँ। अब पता नहीं ये यहाँ से उतरते कैसे हैं, इन लोगों का तमाशा देखते हूँ। ये मैं तो उतर रहा हूँ, आ जाओ। वेख के डमी नहीं। ले जी फाइनली 2-3 घंटे वेट करने के बाद जो है ना टाइम हो गया है, 3:00 3:10 पे फ्लाइट आएगी, तो मेरे ख्याल में थोड़ी लेट भी हो जाएगी 10 मिनट। तो अभी जाते हैं उस साइड पे जहाँ पे फ्लाइट जो है ना आएगी। इंतज़ार की गाड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं जी, यहाँ पे देखें कुछ लोग आ रहे हैं। अभी हमारा बंदा पता नहीं किस टाइम आता है। हार वगैरह जो है हम लोग अलहदा कर रहे हैं लड़के के लिए, लड़का जो है आने वाला है, इंतज़ार की गाड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अब बस इंतज़ार में है कि कब जो है ना ये इस दरवाजे से जो लड़का हमारा आता है और उसको ये हार जो है ना ये पहनाए जाते हैं। किधर है हार शार वे सारे बुरदा पे करमा लिया। ये सारी ट्रॉलीज जा रही हैं, इसके अंदर बैग डाल के लेके आएंगे। लड़का जो है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है यार, एक एक मिनट का यकीन जाने 15 साल बाद आ रहा है। अभी पहला एक कदम जो है ना पाकिस्तान में रख लिया है उन्होंने, बस थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। देखते हैं क्या सीन होता है। मैंने तो ये प्लान बनाया है, यहाँ से भाग के जाऊँगा, पहले हार डालूंगा फिर सलाम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। सारे फ्लावर हमारे जो है ना नीचे गिर रहे हैं, हम लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ धागे ही बचेंगे जो हमने डालने हैं वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मेरा गिर गया नीचे। वालेकुम सलाम। बाकी सब लोग उधर ही खड़े हैं, मैं थोड़ा ना इस साइड से होकर ना मेन दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। आप देखना हो कि अगर मैं पहचान लेता हूँ ना उन्हें, तो मैं तो फौरन जो है ना वहाँ से भाग के फ्लांग के उस साइड पर चला जाऊँगा। माशाल्लाह छोटा सा क्यूट सा बेबी है, ये भी आ रहा है उम्रा करके चिंता जाइए। वो ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, हमारा जो कज़न है वो आ चुका है फाइनली। अभी उनको जो है ना हार वगैरह डालते हैं। माशाल्लाह दोनों भाई देखे, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्या बात है। इमोशनल फीलिंग्स यार, इमोशनल फीलिंग। माशाल्लाह दो हमारे जो कजन है ना वो उधर उस साइड पे आगे खड़े हैं, उनको अब देखते हैं कि क्या आ जाए जनाब। देखें बाकी कितनी आवाम यहाँ पे खड़ी है यार, बाकी है इंतजार जो है इंतजार करना बहुत मुश्किल है यार।
आज माशाल्लाह। अभी हम लोग जो है गाड़ी में जाते हैं, उसके बाद अपना सफर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इमोशनल फीलिंग थी यार, अभी घर जाके देखते हैं कि घर जाके क्या होता है। घर जाके ना यकीन जाने यार क्या मैं बताऊँ आपको। वेलकम बैक जी। रात को हम लोग बहुत लेट आए, बल्कि सुबह 6 बजे आया था। मैं तो सो गया था, अभी 2-3 घंटे सोया हूँ। अभी उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया है। अभी फिर जो है ना दोबारा अम्मी लोगों को लेके मामू लोगों की तरफ जाना है।